देखो, तीन शक्तियां हैं हमारे शास्त्रों में। एक तो विचार है और एक वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, और एक कर्म। तो विचार एक बात हुई जो मन के अंदर चलते हैं, और दूसरी बात हुई कि जो हम बोलते हैं, तो जो विचार मन के अंदर होगा वही तो बोलेंगे। हाँ, पर कई बार हम चालाकी करते हैं कि जो हमारे मन के अंदर है कुछ और बोलते कुछ और, तो उससे मन के अंदर द्वंद्व आ जाएगा, और द्वंद्व आएगा तो फिर कर्म ठीक नहीं होगा। जो भी एक्शन हम लेंगे, कर्म ठीक नहीं होगा तो हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी। इसी कारण जो है हमारे मन में दुविधा रहती है, दुख रहता है, अशांति रहती है। तो ये समझना बड़ा आवश्यक है कि विचार, वाक, बोलने की शक्ति और कर्म, इन तीनों में सामंजस्य हो। तो उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, समझ भी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम कहाँ से यात्रा शुरू करें? हम शुरू करें जानवरों से। जानवरों में तो इतनी सोचने की शक्ति होती नहीं। थोड़ा सा और नीचे जाएं हम, तो ये देखते हैं कि तो ये पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया? हाँ, मैथ्स का। हाँ, तो जानवर और देखो मनुष्य में दोनों ही माँ के पेट से पैदा हुए, दोनों ही माँ के पेट से बाहर निकले, और एक पर्टिकुलर एज तक उनकी हाइट वेट बढ़ा। हाँ, जैसे मेरी शक्ल है तो वो एक अपनी, जिसको हम डीएनए कहते हैं, उसके अनुसार जो है वो हाइट और वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, और उसके बाद ये शरीर जो है अब अपने अपने आप चल रहा है। एक स्थिरता आ गई ना। स्थिरता का क्या मतलब है कि भाई, स्थिरता का ये मतलब ये है कि देखो हाथी है, अब हाथी का बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद उसकी एक पर्टिकुलर शेप और साइज बन गया, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, उसके बाद उसका शरीर नहीं बढ़ेगा। हाँ, जैसे मेरा 6 फुट हो गया तो 6 फुट के बाद वो 7 फुट नहीं होगा, स्थिरता आ गई। तो ये जानवरों में भी होता है, ये मनुष्य में भी होता है, जानवरों में भी होता है और ये मनुष्य में भी होता है। पर मनुष्य के साथ एक समस्या या एक योग्यता और है, फिजिकल मैच्योरिटी के बाद उसकी मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती। जानवरों को नहीं चाहिए मेंटल मैच्योरिटी, जानवरों को मेंटल मैच्योरिटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनका मन जो है वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होता। वो ये नहीं सोचते कि मुझे भूख लगी तो भूख की उनके अंदर संवेदना उठती, और वो संवेदना के कारण वो उसकी तरफ, भोजन की तरफ दौड़ते, और वो उसी से बंधे रहते हैं। हाँ, कुत्ते को देखो, कुत्ते को एक छोटा सा भी हड्डी दे दो वो उसी में खुश हो गया। सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है अगर उनकी, उनका मन जो है प्रकृति से नियंत्रित होता है। हमारा मन जो है वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित भी होता है, और हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, हम उससे ऊपर भी उठ सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि शेर जो है, अगर टाइगर जो है, चीता जो है, वो पेड़ पे, उस पेड़ पे चढ़ता है जिस पेड़ पे सारे फल हैं,
उसको ये समझ में नहीं आता कि ये फल भी तो भोजन है, मैं पेड़ पे चढ़ के शिकार की क्यों देख रहा हूं। ये हमारे अंदर योग्यता है, हमारा मन तो ये कहता नहीं, भोजन तो यहां पर पड़ा हुआ, तुम बाहर क्यों जाओ। ये बात तुम्हें बड़ी गहराई से समझनी होगी कि शरीर की एक अवस्था है। अब ये शरीर कहाँ से आया, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं पुराने कर्मों से आया, पुराने संस्कारों से बना ये शरीर। तो अब इस शरीर के संस्कार जितनी देर तक रहेंगे उतनी देर तक ये शरीर रहेगा। मेरे माता पिता ने तो मुझे जन्म दे दिया, शरीर आ गया, पर अब मेरे संस्कार हैं ये कि ये शरीर कितने दिन तक जीवित है। अब माँ बाप का कोई रोल नहीं, माँ बाप का खाली ये रोल है कि बाहर से अपनी थोड़ी सी केयर कर लें, है थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा केयर कर लें, जिंदा रखने के लिए हाँ खाना पीना देते रहें, पर उसके जो संस्कार हैं, मेरे संस्कार हैं, मेरे संस्कारों के कारण ही मेरी आयु निर्धारित हो। मेरे संस्कार जो हैं वो पिछले जन्म के जो संस्कार हैं और इस जन्म में मैं किस तरीके से कार्य कर रहा हूं, ये दोनों मिलके मेरी आयु को निर्धारित करते। इसमें दूसरे का कोई रोल नहीं। तो ये तो हुई शरीर की बात। तो वो होता क्या है, देखो कि उसमें हम सब कहते हैं 6 विकार हैं। पहले माँ के गर्भ में जन्म लिया, उसके बाद माँ के पेट से बच्चा निकला, और निकलने के बाद उसकी मैच्योरिटी वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाँ, बढ़ने के साथ साथ फिर क्या हुआ, उसमें वो कहते हैं अस्थि जायते वर्धते। वर्धते का मतलब ये है कि वो शरीर एक अवस्था तक बढ़ा, और बढ़ने के बाद जो है फिर वो एक निश्चित अवस्था आ गई। अब उसी अवस्था में शरीर जानवरों का भी बना रहता है, हमारा भी बना रहता है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, मोटे हो गए पतले हो गए। और एक अवस्था के बाद जो है ये शरीर 40 साल के बाद ये शरीर जो है ढलने लगता है, कुछ भी करो कितना भी कर लो। साइंस भी ये कहती है कि उसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब कि शरीर की कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं, जर्जर होने लगती हैं, और अंत में ये शरीर छूट जाता है। तो साइंस और ये दोनों, हम दोनों इसको समझते हैं। तो ये फिजिकल मैच्योरिटी है, एक स्टेज आने के बाद एक फिजिकल मैच्योरिटी आ गई, जानवरों की भी आ गई, हमारे शरीर की। उसके बाद ये शरीर उसी ढंग से काम करेगा, वो प्रकृति के अंदर, हम नहीं रोक सकते, हम इसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते। हाँ, देखभाल कर सकते हैं। तो ये दोनों में समान है, शरीर मतलब जानवरों में भी समान है और मनुष्य में भी समान है, पर जानवरों को मेंटल मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो वो तो मशीन की तरह काम कर रहा है, मशीन की तरह काम कर रहा है ना। हमें मेंटल मैच्योरिटी की जरूरत है। क्या मतलब हुआ मेंटल मैच्योरिटी की, कि मेरा मन विचार करता है, मेरा मन किसी चीज को पसंद करता है, नापसंद करता है, घृणा करता है, रिएक्ट करता है, तो ये मन की स्वतंत्रता है। क्या मतलब हुआ इसका, बड़ा गूढ़ सिद्धांत है ये, कि भाई टाइगर जब हाथी को देखता है तो उसको ईर्ष्या नहीं होती कि मेरा शरीर भी हाथी की तरह हो जाए, पर हमारी इच्छा होती है। देखो अमिताभ बच्चन कितना लंबा है, कितना स्मार्ट है, तो मैं भी काश ऐसे ही होता। हमारे मन में एक इच्छा हो जाए, टाइगर के मन में इच्छा नहीं होती, या हाथी के मन में इच्छा नहीं होती कि मैं शरीर के शेर की तरह हो जाऊं, ऐसा
टाइगर के मन में ये इच्छा नहीं होती, देखो ये बाज उड़ रहा है, मैं उसी की तरह हो जाऊं, ये हमारे मन में होती। तो हमारे मन, और वो देखो बिल गेट्स कितना अमीर है, तो मेरे के पास भी काश ऐसा होता। तो एक हद तक ये अच्छी बात है कि जिससे कि मन की उड़ान अगर सही दिशा में हो तो आदमी प्रोग्रेस करता है, प्रगति करता है। अब देखो इसका क्या मतलब, क्या कहा मैंने, कि मन की उड़ान अगर है तो वो हम सब विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। भाई मनुष्यों ने ये देखा ना, पक्षी उड़ता है तो प्लेन बन गया, प्लेन बन गए। चीता भागता है चार पैरों से तो फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, चार पहिए का हर एक कार में लगते हैं। तो मन की उड़ान तो है वो ठीक है, पर अगर मन, यही मन जो है, अब हमारी बात आती है, अगर ये मन तुलना करने लगता है, घृणा करता है, पसंद करता है, नापसंद करता है, रिएक्ट करता है, तब जाके समस्या है, तब जाके समस्या है। तो मेंटल मैच्योरिटी का मतलब ये है कि जो हम अंदर से सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, इन तीनों में सामंजस्य हो। तो भाई सामंजस्य क्यों हो, सामंजस्य इसीलिए हो कि हमारे जीवन में विकास रहे, शांति बनी रहे, घृणा ना आए, द्वंद ना आए, डिप्रेशन ना आए। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि मन को हम किस तरह से मैच्योरिटी के लेवल पे लाएं, मन को किस तरह से हम विवेक के साथ उसको सही दिशा दें। तो मेंटल मैच्योरिटी का मतलब ये भी है कि हम किसी तरह का द्वंद्व हमारे मन में, भाई अपने पत्नी से, पति से द्वंद्व हो जाता है, अपने दोस्तों से द्वंद्व हो जाता है, इसको हम दूर करके रखें, ये द्वंद्व हमारे जीवन में ना है, मन में ही तो आते हैं ये। तो वो उसको कहेंगे हम कि मानसिक शांति है और मन, मेंटल मैच्योरिटी, एंग्जाइटी नहीं आए कभी, ड्यूअलिटी नहीं आए, स्ट्रेस नहीं आए, कंफ्यूजन नहीं आए, कंफ्लिक्ट नहीं आए, एक बात। और दूसरी बात यह है मेंटल मैच्योरिटी का कि हमारे मन के, मन में शांति, स्थिरता, प्रेम, ज्ञान ये बना रहे, यही तो हम चाहते हैं। हाँ मन यही तो चाहता है। हाँ अगर ये ना आए तो जीवन में हमेशा दुख ना किसी प्रकार के से दुख बना रहता है। देखो अभी जैसे बच्चे की बात हुई तो क्या हुआ, मन में एक भय बना हुआ, मन में भय बना हुआ। अब भय को हम काटने की भी कोशिश करते हैं तो भी नहीं कटता। देखो डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि भाई क्या कारण है। तो हमारे मन में ये भी आता है कि डॉक्टर को पता नहीं है अब क्या होगा नहीं होगा। तो मेंटल मैच्योरिटी का, मानसिक शांति एक तरफ बनी रहे और बाहर जीवन में किसी भी प्रकार से जितनी भी घटनाएं हो रही, जितनी भी घटनाएं हो रही, उन घटनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। तो अगर नहीं पड़ता है तब जाके हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते, साधना की प्रक्रिया में हम आ। अब इससे और आगे बढ़ते हैं कि ठीक है हमने मेंटल मैच्योरिटी चाहिए, तो अब हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि देखो भाई तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये, इन सब जंजाल से छुटकारा अगर पाना है तो हमें ज्ञान के द्वारा मुक्त होना जरूरी, ज्ञान ही मुक्ति लाता है। तो ऐसा ज्ञान लेना है जिससे मुक्ति मिले। हाँ अभी जो बातचीत की ना कि हमें किसी तरह की एंजाइटी, ड्यूअलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ना हो,
एक बात ये मुक्ति का, और दूसरा हमारे जीवन में 24 घंटे शांति प्रेम ज्ञान आनंद बना। मुक्ति के दो पहलू हो गए, तो ऐसा ज्ञान हमें मिलना चाहिए जिससे कि हम इससे मुक्त हो सके। और कर्म भी हमें ऐसा करना है जो कर्म करने के पहले, कर्म करने से पहले, कर्म करते समय, कर्म करने के बाद हमें किसी तरह की आसक्ति उस कर्म से ना हो। तो जीवन में कर्म की भी बातचीत हो गई और ज्ञान भी, तो ज्ञान अंदर बैठा रहेगा तो वो विचार भी उसी तरीके से करेगा। मैं बच्चे की देखभाल पूरे होशो हवास से, कर्म है हो गया ना, ये कर्म हो गया ना, तो मुझे ये कर्म करते रहना है और अपने कर्म कर हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे। ये कर्म से अटैचमेंट नहीं, उसकी चर्चा और हम गहराई से करेंगे। और दूसरा, ज्ञान वो जो कि मुझे मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति का मतलब शांति आ जाए, प्रेम ज्ञान आ जाए। ये यहां पर आए। अब हम देखते हैं कि भाई थिंकिंग क्या है, विचार क्या है। अभी हमने बातचीत की कि विचार वाक शक्ति, बोलने की शक्ति जो हम बोलते हैं, और कर्म को दिशा देनी है, ये तीनों ही कर्म है। बोलना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, और जो हम बाहर शारीरिक कर्म करते हैं वो भी कर्म। तो एक तो अवस्था ऐसी आती है कि भाई ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, पशुओं की तरह हम खाना खाएं, सारे सब कुछ शारीरिक आनंद लें और जीवन बस इसी तरह से हम चलाते। पर जीवन जब हम इस तरह से चलाते रहते हैं तो जीवन में बाहर की घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं, जैसे अभी बच्चे की घटना प्रभावित करती, मन के अंदर संशय बना हुआ, डर बना हुआ, इतना किया नहीं होगा। तो ये अगर हम बेहोशी में भी जीवन जीते हैं तो भी हमारे मन के अंदर ये सब डर बना रहता है, विचार आते रहते। तो अब ये समझना है कि ये विचार आखिर हैं क्या। थिंकिंग, विचार अगर हम करते हैं तो ये विचार बुद्धि से आते हैं और बुद्धि हमें ज्ञान देती, उस ज्ञान से हमारा मन बदलता है, नहीं भी बदलता। तो आखिर हम किस तरह से विचार करें, अब ये प्रश्न उठता है कि विचार, गुरुदेव बार बार कहते थे विचार करो, तो विचार हम किस तरीके से करें जिससे कि हमारे मन की दशा और दिशा बदल जाए। हाँ, तो पिछली कई बार में हमने इस पर विचार किया है, मंत्रों को देखा है, तो बुद्ध के, अब उस पर विचार करते हैं, बुद्ध का एक सिद्धांत है, उस पर विचार करते हैं कि हमारे विचार, हमारी बोलने की ठीक, और जो कर्म हम कर रहे हैं वो किस प्रकार करें। तो ऐसा हुआ कि एक साधु, बुद्ध के ही साधु थे, साधना कर रहे थे, वो रात में अपना ध्यान कक्ष में गए और उनके पैरों से बहुत सारे कीड़ों की मौत हो गई, अंधेरे में जा रहे, इंटेंशनल नहीं। तो सुबह जब दूसरा साधु उस कमरे में गया तो उसको पता लगा था कि भी पहला साधु कमरे में गया है रात में ध्यान करने, तो उसने बड़े सारे
जीवों को मार दिया, उसके पैर से मर गए। तो उसने महात्मा बुद्ध को शिकायत करने पहुंच गया। उसने देखो जी, इस साधु ने तो बहुत सारे जीवों की हिंसा की। तो बुद्ध ने पूछा, ये हमारे जीवन में 24 घंटे होता है, इसीलिए भय आता है, इसीलिए हम इस कहानी के माध्यम से उसको, मन को हम समझते हैं। तो उस बुद्ध साधु ने जब बुद्ध से कहा कि देखिए गुरुदेव, आपके साधु ने, जो तो सीनियर साधु हैं, उन्होंने बहुत सारे जीवों की हत्या कर दी। तो बुद्ध ने कहा, तुमने देखा? हत्या करते हुए नहीं देखा? तो बुद्ध ने कहा, जैसे तुमने देखा नहीं कि उन जीवों की हत्या उसके पैर के कारण हुई, उसी प्रकार उसने भी नहीं देखा। उस साधु ने नहीं देखा ना, जो ध्यान करने गया था ध्यान कक्ष में, उसका उसका भाव नहीं था कि उसको मारना। तो इसका मतलब ये है कि वो निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया। प्रश्न समझे? बाद में बुद्ध ने बताया, ध्यान में बैठ गए बुद्ध, और उसके बाद ध्यान से जब उठाए तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में इस साधु ने एक स्त्री को जानबूझकर जहर दे दिया था, उसके संस्कार इस जीवन में आए, और उन संस्कारों के कारण इन जीवों की हत्या हुई, इसीलिए वो इस जन्म में वो दोषी नहीं। वो संस्कार तो पूरे होंगे। दो कहानियां, तो अब इन दो कहानियों के माध्यम से बुद्ध महाराज ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कि एक तो कर्म ऐसा होता है जो कि जानबूझ के करना, और एक कर्म होता है अनजान में। तो अनजान में बहुत सारे कर्म हमारे साथ होते हैं, तो वो अनजान में जो गलत हुआ है उसके पीछे संस्कार तो कोई ना कोई है, पुराने जन्म का संस्कार या इस जन्म का संस्कार है। और जो जानबूझ के अगर हम करते हैं, इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो जान समझ के साथ अगर हम विचार करते हैं, समझ के साथ हम बोलते हैं, समझ के साथ हम कर्म करते हैं, तो वो जो पुराने संस्कार हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। तो इसमें एक बात समझनी है कि विचारों के द्वारा ही हम स्ट्रेस में आते हैं, दुखी होते हैं। विचार अगर ना हो, दुख का विचार ना हो तो दुखी नहीं हो, डर का विचार नहीं होगा तो डर नहीं होगा, मन वो प्रकट नहीं होगा, हम बोलेंगे नहीं। और सुरक्षा का विचार अगर मन के अंदर नहीं है तो असुरक्षा नहीं है। ये बात बुद्ध की समझ में आनी चाहिए। सब कुछ विचारों का ही खेल मात्र है, और विचार में होता है ज्ञान। अगर वो ज्ञान सही है तो हमारे जीवन की दिशा सही होगी। वो विचार में अगर ज्ञान गलत है तो जीवन की दिशा गलत। भय जो आता है, जैसे अभी जीवन में भय है,
वो पुराने संस्कारों से भी आता है, और हम बाहर कुछ चीज चाहते हैं कि मेरे मुताबिक हो वैसी नहीं हो रही तो भी भय आता है। पर विचार तो बिना विचार के तो भय का पता ही नहीं लगता, बिना विचार के भय का पता नहीं लगता। दो बातें हुई, एक तो हुआ कि जानबूझकर हमने कोई कर्म किया जिससे कि अपने को भी नुकसान हुआ दूसरे को भी हुआ, और एक अनजाने में हुआ। जैसे वो घटना तुमने पैसे वाली बताई, वो जानबूझकर की, वो तो जानबूझकर घटना, क्योंकि मन में इच्छा थी ना कुछ, वो जानबूझकर एक अनजाने में हो गया। विचार भाव या शक्ति, विचार की शक्ति, बोलने की शक्ति और कर्म करने की शक्ति, सही प्रकार हो, सही दिशा में हो। एक यहाँ पे सज्जन है, 6 फिट 2 या 3 इंच के हैं, मैंने बताया था अभी, तो वो आए थे और खूब जिम जाते हैं, सब कुछ सही है, 30-32 साल की उम्र है, कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हार्ट में जब भी उनकी थोड़ी सी मन जाता है हार्ट की तरफ, तो वो देखते हैं कि धड़कन बढ़ गई, और धड़कन बढ़ने के बाद फिर वो बैठ जाता है, लेट जाता है, पसीना आने लगता है, धड़क बैठ जाता है कि अब मैं गया। अभी भी साथ में। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई धड़कन अगर रुक जाए तो तुम्हें बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर तो मेरी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो धड़कन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, विचार किया इस पर? नहीं, धड़कन तो होनी चाहिए। तो जब कोई चीज धड़कन हो रही है और डॉक्टर के पास तुम 3 बार चले गए हो, तीनों बार ये आया है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी धड़कन होती है। जब भी धड़कन का एहसास होता है, जब तुम परेशान हो जाते हो, एंग्जाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। विचार, पहले भाव उठा, फीलिंग उठी, और उसके बाद फिर ये विचार के द्वारा हम उसी तरफ बढ़ते। तो अगर विचार सही हैं या विचार सही नहीं है, अगर हम उनको सही कर लें, दिशा सही दे दें, तो जीवन में बदलाव आ सकता है। कैसी भी परिस्थिति, बाहर बड़ी बुरी परिस्थिति है, पर मन के अंदर विचार जो है ये कह रहा है ये परिस्थिति बाहर है, मैं शांत। पहली बार फिर मन वो परिस्थिति को देखकर समस्या का समाधान कर ले। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो महात्मा बुद्ध अब कहते हैं सिद्धांत की बात, क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी अनुभव हैं वो मन से आते हैं, मन में रहते हैं, मन में ही बनते। मेरे जितने भी अनुभव, गुस्से का अनुभव, द्वंद का अनुभव, ईर्ष्या का अनुभव, भय का अनुभव, प्रेम का अनुभव, कोई भी अनुभव है वो मन से उतरते हैं विचार के रूप में, मन में ही पैदा होते हैं और मन में ही मर जाते। कोई भी अनुभव, मैं अच्छा हूं मन, बुरा हूं मन, दुखी हूं मन, अब क्या होगा मन, भय, सारे के सारे अनुभव। समझ रहे हो? पहली बात ये,
इस पर बार बार विचार करना कि जैसे कि भय आया, अरे ये तो मन का अनुभव है, जरा विचार करूं कहाँ है भय, मैं दुखी हूं, ये भी तो विचार है, तो ये मन के अनुभव से आया मैं दुखी हूं, इस कारण हुआ ये भी मन से आया। मन से ही आते हैं, मन में ही रहते हैं, मन के कारण ही सारे अनुभव आते। महात्मा बुद्ध के धम्मपद में बड़ी अच्छी बात ये कही गई। तो पहली बात ये अच्छी तरह से समझ ली कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरे अंदर डर है, मैं एंजाइटी में हूं, मेरे को रिएक्शन है, मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को इस व्यक्ति ने धोखा दे दिया, इस व्यक्ति ने मदद की, ये सारे के सारे विचार मन के अनुभव से आते। पहली बात, तो जब मेरा मन ये कहता है कि तुमने धोखा दिया, तो साधक का ये कर्तव्य बनता है कि वो पहले अपने मन को देखे, दूसरे ने मेरी बड़ी मदद की तो सबसे पहले वो अपने मन को देखे, ये मन का अनुभव, ये बात कहनी है बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ये बात कह रहे, बहुत अच्छी बात है कि मन बाहर न जाकर सबसे पहले मैं देखूं, ये मेरे मन का अनुभव है। अनुभव यानी अनुभव ज्ञान देता है ना कि अच्छा मैं डरा हुआ हूं, ये भी ज्ञान है, मैं अच्छा हूं, ये भी ज्ञान है, मैं बुरा हूं, ये भी ज्ञान है, अब क्या होगा, ये भी ज्ञान है, अब क्या होगा का मतलब उसके पीछे चिंता है। चिंता का क्या मतलब है कि बाहर भविष्य में होने वाली घटना है कोई, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, तो चिंता है, उस पर नियंत्रण नहीं है ना। और अगर बाहर भविष्य में कोई होने वाली घटना है, मेरा उस पर कंट्रोल है, तो चिंता नहीं है, ना ना कोई चिंता नहीं है, मैं कंट्रोल, मैं देख लूं, बच्चे के बारे में तो नहीं कह सकते कि पूरा नियंत्रण, तो इसीलिए चिंता है, चिंता है तो भय, तो सोचो सारा मन का ही अनुभव है ना, मन का खेल ही है। अभी 5 महीने पहले कोई चिंता नहीं, मन का अनुभव। तो महात्मा बुद्ध बड़ी सटीक बात कह रहे हैं कि मन सारे अनुभव मन से शुरू होते हैं, मन में पैदा होते हैं और मन ही इसको आगे ले जाता है। भय बना है अभी तो मन में ही तो भय है, मन आगे ले जा रहा है, ठीक हो जाए सब कुछ। देखो उसी विषय की चर्चा कर रहे हैं जो जीवन में अभी तुम्हारी घटना घट रही है, मन का अनुभव, सारे के सारे अनुभव, मन में पैदा हुए, मन से ही आगे बढ़ते हैं, और मन में ही उत्पन्न होते हैं। ये बात जब समझ में आ गई, अब दूसरी बात, कहां हम अपने को, अपने जीवन को दिशा दें। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब पहली बात तो क्लियर हो गई ना कि मन में जितने अनुभव हैं, मेरे को अनुभव जो हो रहा है वो मन से हुआ, तो उस अनुभव से विचार निकला कि मैं भय में हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, है ना। अब बुद्ध कहते हैं कि यदि हम अशुद्ध मन से सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं, पहली बात क्लियर हो गई ना कि मन के अंदर सारे अनुभव,
दूसरी बात अब कहते हैं, दो तरह की बात कहते हैं कि यदि मेरा मन सोचता है, अशुद्ध मन से सोचता है, बोलता है और कर्म करता है, तब मेरे दुखों का अंत कभी नहीं हो सकता। अशुद्ध मन से, अब उसमें एक उपमा भी देते हैं, बड़ी अच्छी उपमा है। वो कहते हैं कि दुखों का अंत नहीं हो सकता, जैसे बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी या माँ बैल, बैल को बांध के चलती है ना, बैंध वो कूबड़ा होता है ना, उसमें अटका देते हैं, जिससे कि वो गाड़ी जो है पीछे घसीटती चलती। तो ये कहते हैं कि ये जो मन जो है वो बैल बन जाएगा और इन दुखों को हमेशा ढोता रहेगा। जब तक अशुद्ध मन से हम विचार करेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, तो हमारे दुखों का अंत कभी नहीं हो सकता, या इस भाषा में कहो कि दुख हमारे पीछे ऐसे ही चलेंगे जैसे उस बैल के पीछे वो गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी पे हम सामान भर देते हैं, तो मन के अंदर दुखों का अंबार आ जाए। पहली बात फिर वापस याद करो कि मन, जितने भी मेरे अनुभव हैं, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे मन के कारण है, मन में पैदा हुए हैं, मन से ही जाएंगे, मन से ही चलते रहे। पहली बात ये हो गई। और यदि अशुद्ध मन विचार करता है, बोलता है, कर्म करता है, तो उसके दुखों का अंत नहीं होगा, यदि अशुद्ध मन से हम कर रहे हैं। बाद में हम देखेंगे अशुद्ध मन क्या है, ये कई बार हमने चर्चा कर ली। तो अशुद्ध मन क्या करेगा, उस दुखों के पहाड़ को उसी तरह से खींचता रहेगा पूरे जीवन में, जैसे बैल से बंधी गाड़ी। तो क्या मतलब, मुझे शुद्ध मन से विचार करना चाहिए। तो अब उसमें बुद्ध, महात्मा बुद्ध दूसरा सूत्र बताते हैं कि जो यदि कोई बोलता है, विचार करता है, कर्म करता है शुद्ध मन से, अब शुद्ध मन की बात, तो अगर शुद्ध मन से जो व्यक्ति बोलता है, विचार करता है, कर्म करता है, उसके पीछे शांति, प्रेम और ज्ञान उसी प्रकार चलेंगे जैसे जैसे एक व्यक्ति की छाया उसके पीछे चले। क्या कमाल की बात थी। छाया तो कभी छोड़ नहीं सकती हमारा साथ, पर उधर बैल को हम गाड़ी से अलग कर सकते हैं, बैल को तो गाड़ी से अलग कर सकते। यहां छाया तो, छाया का तो कोई इलाज नहीं, छाया तो साथ नहीं चलेगी। देखो तो अब जैसे हमने सबसे पहले विचार किया था, एक तो जानबूझकर कर्म करना, जानबूझकर, तो ये जानबूझकर जो कर्म करना है यही अशुद्ध मन से हम समझ के नहीं करते, जानबूझकर ना, ना समझी में करते हैं। नहीं, इसमें फायदा हो जाएगा मेरे तो फायदा लो, उठाओ फायदा। सिद्धार्थ कह रहा था, मैंने कहा नहीं, मुझे जाना ही नहीं वहां पे,
तुम सब करो, तुम जवान हो, अपना करो, नहीं करो तो ये तुम्हारी इच्छा। मैं मन को शांत रखना चाहता हूं। तो सारे के सारे अनुभव कहां से शुरू हुए? विचार से। विचार क्या है? उसमें शब्द होते हैं और उन शब्दों से हमें मिलता है समझ और ज्ञान। जैसे मैंने कहा कि मैं अच्छा हूं, विचार है ना, तो ये मेरे मन के अनुभव के साथ ये विचार पैदा हुआ। मैं अच्छा नहीं हूं, ये भी विचार, इसमें भी ज्ञान छिपा है, इसमें भी मेरा अनुभव छिपा है। तो हम जो भी बोलते हैं, विचार करते हैं, कर्म करते हैं, वो मन के अनुभव हैं। मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, विचार है। मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं दुखी हूं। तो जैसे ही मन के अंदर ऐसे विचार आते हैं, यदि हम उनको नहीं रोकेंगे, उसी समय सजगता के साथ नहीं रोकेंगे, तो ये विचार और मेरे मन का अनुभव और मेरे कर्म बाह्य परिस्थिति में, बाह्य गलत परिस्थिति को पैदा करते। मन के अंदर किसी भी प्रकार से कभी भी अशुभ विचार नहीं आना चाहिए। अगर अशुभ विचार आता है, बैलगाड़ी, याद करो। शुभ विचार, छाया। इतनी बात समझ ली? अब इसमें साथ दूसरी बात इसको जोड़ेंगे, विचार करेंगे कि क्या संसार पर कभी किसी का नियंत्रण है या नहीं? हो ही नहीं सकता। बाहर की क्या परिस्थिति होगी, कल क्या परिस्थिति होगी, अभी 4 घंटे के बाद तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, यह तुम्हें खुद नहीं पता। कि नाराज हो जाओगे, कि खुश और ज्यादा हो जाओगे, कि दुखी हो जाओगे, ये खुद का तो पता नहीं है। हम संसार को कंट्रोल करने चाहिए। संसार क्या? संसार में हमारे संबंध आ गए, पति पत्नी है, नौकरी है, पैसा है, बाहर की परिस्थितियां हैं, बच्चे का स्वास्थ्य है। देखो ना, ये सारी चीजें तो हमारे नियंत्रण में नहीं है ना। थोड़ा बहुत नियंत्रण है, पर पूरा नियंत्रण नहीं है। तो अगर हम ये समझ लेते हैं कि बाह्य संसार पर हमारा नियंत्रण पूरी तरह से नहीं है, तो जहां तक नियंत्रण है, वहां तक हम समझ के साथ कार्य करेंगे। और आगे संसार ईश्वर का है, संसार तू ईश्वर तू देख। अब ये विचार हम ले आए मन, चाहे अच्छी घटना हो, दुर्घटना हो, बुरी घटना हो। अब जैसे वो घटना आप सीख दे जाएगी ना, हाँ वो घटना सीख दे जाएगी, तो अब देखो, सोचो, विचार करो कि ये घटना ने सीख दे दिया, तो अब ये मन के अंदर ये हो जाए कि संसार में बाह्य बर्ताव करते समय हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे कर्म समझ की द्वारा आगे बढ़े, अज्ञान के द्वारा ना बढ़े, ना समझी से ना बढ़े। ना समझिए और किसी के ऊपर विश्वास कर लिया, क्यों कर लिया? हम ईश्वर के ऊपर क्यों ना विश्वास करें? हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास इसीलिए है कि मुझे गुरुदेव के ऊपर, मुझे ईश्वर पर विश्वास है।
तो ईश्वर क्या कह रहा है इस पर विचार करें, किसी घटना को, किसी विचार को, किसी कर्म को करते हुए, तो मन खाली हो जाए, भागा दौड़ी नहीं चाहिए, जितना है उसमें संतुष्टि है, एकदम खाली हो गया मन। अब कोई कितना भी कहता रहे, हम नहीं जा सकते जी उधर, हमें उधर नहीं जाना, तो शांति बनी हुई है। तो क्या मतलब हुआ कि क्या हम अपनी दुख और समस्याओं को, भय को, असुरक्षा को, तनाव को बिना विचार के बदले शांत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बुद्ध ने इसीलिए कहा, जो शुद्ध मन से बोलता है, विचार करता है, कर्म करता है, तो शुद्ध मन क्या हुआ? समझ। शुद्ध मन में विवेक है, वैराग्य। अशुद्ध मन में विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, वहां पर वासना है, वहां पर नासमझी है, किसी भी तरह की वासना हो किसी भी। अभी एक मित्र तुम्हारी उम्र के हैं, तो वो न्यूयॉर्क में डेलॉयट है कोई कंपनी, शायद डेलॉयट बहुत बड़ी कंपनी है शायद अमेरिका की, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो उन्होंने अपना अपने साथियों को देखा, बड़ा इंटेलिजेंट है, तो इसने एमबीए में एडमिशन ले लिया कि नहीं मैं एमबीए कर लूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मेरे साथ वो पिछले करीब 6-7 महीने से, साथ 1 साल से, 6 महीने के बाद उसने एमबीए छोड़ दिया। अभी पिछले हफ्ते ही उसने मेरे से बातचीत की, कहते नहीं सर मैं अलग से बात करना चाहता हूँ। तो उसने ये कहा कि मैंने 6 महीने पहले जब एमबीए में एडमिशन लिया, मैं जाने लगा वहां पर, तो जिस ग्रुप में मैं जाता हूं पढ़ने, वहां पे तो लोग बात कर रहे हैं कि इसके खिलाफ जेलिसी कैसे करनी है, उससे कम्पीट कैसे करना है, उससे लड़ना कैसे, इसीलिए मैं एमबीए कर रहा हूं, मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा। और ये तो 1 साल से मेरे साथ कर रहा था। तो फिर इसने अपने आप से पूछा कि मैं एमबीए इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे कंपीट करना है, घृणा करनी है, द्वंद करना है, द्वेष करना है, छोड़ दिए, कह मुझे नहीं करना है, मुझे अपने मन को, अपने जीवन को शांति में चलाना है, प्रेम में चलाना है, ज्ञान में चलाना है। उसने खुद ही कहा कि मैंने इसी कारण छोड़ दिया, आप इसी से सीखा। तो फिर अब प्रश्न ये आया कि क्या मैंने कहा एमबीए में ज्वाइन क्यों किया था? तो ज्वाइन तो अशुद्ध मन से किया था, शुद्ध मन नहीं था ना, ज्ञान लेने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। अगर ज्ञान लेने के लिए ज्वाइन किया होता तो कोई समस्या नहीं है, मुझे तो ज्ञान लेना, दुनिया कुछ भी करती रहे, क्लासरूम में सारे लोग कंपीट करते रहे, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो समझ पैदा करनी, मुझे एक कदम पे आगे बढ़ना। तो कहने लगा कि इसका मतलब ये है कि जब मेरा मन शांत हो जाए पूरी तरह से, और मैं केवल ज्ञान के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए एमबीए करूं, तो दोबारा एडमिशन ले लूं। मैंने कहा जब तुम्हारा मन ये कहे कि अब मुझे घृणा नहीं करनी, किसी व्यक्ति से कंपीट नहीं करना, जेलसी नहीं करनी, मुझे अपने ज्ञान के स्तर को एक कदम और ऊपर बढ़ाना, लगा नहीं ठीक है, फिर मैं 2-3 महीने इस पर मैं अपने अपने ऊपर पहले काम करूंगा, और अपने ऊपर काम करने के बाद मुझे अब क्लियर हो गया है कि एमबीए या कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान लेना है तो उस ज्ञान में ज्ञान के ऊपर समर्पण हो। ज्ञान इसलिए नहीं लेना कि तो मुझे दूसरे से मुकाबला करना है। तो हमने क्या किया?
वापिस आओ कि मन के सारे अनुभव मन में होते हैं, मन से निकलते हैं, मन से ही खत्म होते हैं। और यदि कोई अशुद्ध मन से विचार करता है, बोलता है और कर्म करता है, तो उसके पीछे दुख उसी प्रकार पीछे पड़ता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी। और शुद्ध मन से जो कोई बोलता है, विचार करता है, कर्म करता है, तो उसके पीछे शांति, प्रेम और ज्ञान ऐसे ही चलते हैं जैसे उसकी अपनी ही छाया। सीख क्या है कि मन में जब भी कभी अशुद्ध विचार आता है, सबसे पहले उसको पकड़ना है, उसकी दिशा को बदलना। बोलना भी उसी प्रकार शुद्ध मन से है और कर्म भी शुद्ध मन से करना है।